हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती मनाई, प्रतिभाओं का हुआ सम्मान, श्रद्धांजलि देने के साथ किया पौधारोपण। वीर दुर्गादास राठौड़ की 380वीं जयंती समारोह वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, मरुगंधा संस्था, लायंस क्लब जोधाना व नवीन शिशु निकेतन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को धूमधाम से मनाई गई। श्री जूना खेड़ापति हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 23 प्रतिभाओं को समिति एवं मरुगंधा संस्थान एवं मरुगंधा संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। वीर दुर्गादास स्मृति समिति के अध्यक्ष जगत सिंह राठौड़ ने बताया कि वीर दुर्गादास की जयंती के अवसर पर वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, मरुगंधा संस्था, लायंस क्लब जोधाना एवं नवीन शिशु निकेतन के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में शनिवार को सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में 380वीं जयंती समारोह मनाई गई। आयोजन की कड़ी में सुबह मसूरी हिल पहाड़ी स्थित वीर दुर्गादास की अश्वारोही प्रतिभा पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया गया। इसके बाद वीर दुर्गादास को पुष्पांजलि अर्पित की गई। यहां पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में महापौर घनश्याम ओझा प्रांत 3233E2 लायंस क्लब इंटरनेशनल के उप प्रांतपाल अविनाश शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर वीर दुर्गादास राठौड़ को पुष्पांजलि के साथ ही पूर्व राजमाता कृष्ण कुमारी को भी श्रद्धांजलि दी गई। वीर दुर्गादास राठौड़ की आज जयंती है। उन्होंने अपने बलबुद्धि से, अपने शौर्य से, कुशल राजनीतिक होने के नाते, चिंतक होने के नाते मावाड़ का नाम न्यूसा में नहीं पूरे विश्व के कई देशों में किया। उनकी स्वामी भक्ति की चर्चा आज भी कई जगह की जाती है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने खुद को बहुत तकलीफ सहन करके कई प्रकार की विघ्न उन्होंने झेले, उसके बावजूद मावाड़ के हाथ में उन्होंने मावाड़ के शान पे किसी प्रकार हाथ नहीं आने दी। ऐसे विद्युत जी को हम सशक्त नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। आपने देखा पिछले वर्ष वीर दुर्गादास समिति बन जिनके माध्यम से एक दुर्ग गाथा का आयोजन किया गया था और उनकी जीवनी को दर्शकों के सामने, पूरी जनता के सामने लाने की कोशिश की गई थी। मैं समझता हूँ इस प्रकार के आयोजन बार बार होंगे तो इनकी स्वामी भक्ति, इनकी वीरता, इनकी कुशल व बुद्धि चातुर्य का जानकारी लोगों को मिलेगी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।